सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग शुरू होते ही काम से शुरू हो गया। यहाँ पीयू पूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग में ही सब काम शुरू हो गया था। यहाँ आई वॉज़ मेकिंग माई सम बिल्स। तो फिर ऐसे ही मतलब आज का सुबह शुरू होते ही काम धाम सब शुरू हो गया। तो यहाँ वही मैं और मम्मा भी जाने वाले हैं। सो यस, वी आर गोइंग डाउन फॉर सम वर्क। वैसे भी अभी सिर्फ 8:30 बजे आए गेस। सो हमें थोड़ा काम है, वो काम ख़त्म करते हैं, फिर घर आते हैं फिर जुम जाना है। सो यार, मम्मा और मैं जा रहे काम से, जो मैंने बोला कि हम लोग को काम से जाना है। सो यस, मॉर्निंग में एकदम मॉर्निंग में जाना पड़ा। तो यहाँ मैं मम्मा का वेट कर रही थी, अरे आ जाओ भाई, अब आ जाओ। बट यू नो ना, घर पे सब बताते धीरे। तो फिर यहाँ मम्मा आ रही थी जल्दी, बिकॉज काम ही ऐसा था, सुबह ही जाना पड़ा। आपको पता चलेगा आगे कि क्या है क्या नहीं। सो हमें बस स्टॉप जाना था घर के पास वाले कुछ मेडिसिन लेने। तो मैं और मम्मा वही जा रहे थे क्योंकि वो जो बस ड्राइवर हमें मेडिसिन देने वाले, वो भी मतलब अपने ऑन ड्यूटी रहेंगे। तो हमें उनसे मेडिसिन लेने वहाँ पे जाना पड़ा। तो हियर आई एम गोइंग विद मम्मा, नीचे देखते क्योंकि ये रास्ता बहुत ऐसे टूटा फूटा है, तो फिर ऐसे सेफली जाना पड़ता है। तो यस, हियर आई एम गोइंग विद मॉम बस ड्राइवर अंकल के पास, क्योंकि हमें उनका वेट करना है जाके, क्योंकि वो भी मतलब ऑन ड्यूटी है। तो उनको भी कैसे आके तुरंत लाइक 10-15 मिनट्स रुक नहीं सकते, 2-3 मिनट ही रुक पाएंगे समझाने के लिए। हियर मी एंड मॉम वेटिंग फॉर अंकल। मतलब हमारी शुरुआत ही आज इतने काम से हुई ना, फिर भी एकदम मेरी मॉम के फेस पे स्माइल है। तो यहाँ मैं मम्मी को गुस्सा बोल रही थी, आई डोंट रिमेम्बर। आई वॉज़ वेरी स्वेटी और मैंने घर पर आज सुबह नारियल पानी नहीं पिया था, तो फिर मैंने बाहर ही पी लिया नारियल पानी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर घर जाके फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट किया। आप लोगों को पता है आई वॉज आउट, अभी मैं घर आई, मैंने ब्रेकफास्ट किया। नाउ आई विल चेंज एंड गो टू द जिम। से जिम जाने से पहले मुझे और एक काम है, अभी मैं 2 काम ख़त्म करके आई हूँ, अभी फिर से मुझे जाना है, काम खत्म करना है, एंड देन फिर मैं जिम जाऊंगी। इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ पहले, अगर वो काम जिम जाने से पहले हो गया तो वो ख़त्म करूंगी, और नहीं हुआ तो पहले जिम जाऊंगी फिर आते वक्त वो काम ख़त्म करूंगी। सो या लेट्स चेंज गाइस, आई गॉट रेडी इन ऑल ब्लैक फॉर द जिम। जिम जाओ और ब्लैक ना पहनो भाई, आई वेयर ओनली ब्लैक इन द जिम, मतलब मोस्टली। सो या आई गॉट रेडी, लेट्स गो फॉर द जिम। तो मैं जिम पहुंच गई थी, जिम के बिल्डिंग के नीचे ही थी, तो ये वहीं का शूट है। सो गाइस, मैं जिम में शूट ही नहीं कर पाती क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो अकेले वर्कआउट करूँगी या शूट करूँगी वैसा हो जाता है। बट अभी मम्मी भी ज्वाइन करेगी, तो फिर मम्मी और मैं साथ में जब जिम करेंगे तो मैं शूट करने लगाऊँगी उनको प्रॉपर जिम शेड्यूल मेरा। यहाँ मैं सिर्फ ना लाइक एंडिंग पार्टी दिखा पाती और एंट्री पार्ट, दैट्स इट। मैं बीच का पार्ट आपको दिखा ही नहीं पाती, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्योंकि जब मैं अकेले वर्कआउट करती हूँ तो फिर मैं अकेले शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रश भी होता है और फिर अकेले वर्कआउट करना पड़ता है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू शूट एनीथिंग इन द जिम। तो अभी जब मम्मी ज्वाइन करेगी तब मैं आप लोगों को पूरा शूट दिखाऊंगी मेरे वर्कआउट का। डन विद माय वर्कआउट। सो हियर आफ्टर जिम, मैंने बोला था कि मुझे काम ख़त्म करना है, सो हियर आई एम गोइंग। क्योंकि मैं अकेले ही शूट करती हूँ तो फिर मुझे पॉसिबल नहीं होता प्रॉपर शूट दिखाना। सो यहाँ मैं वही काम ख़त्म करूँ, मैंने बताया था जैसे जिम के बाद मुझे काम ख़त्म करना है, सो हियर आई एम डूइंग दैट। आई जस्ट केम होम, आज इतने काम ख़त्म किए एंड आई एम फकिंग टायर्ड मैन लिटरली। नाउ आई विल हैव माई लंच, लेट्स सी खाने में क्या बना। जब आप थके हुए हो ना और खाना अच्छा ना मिले ना, तो भाई गजब कलेश होने वाला होता है।
बट लेट्स सी खाने में क्या बना है, आई एम फकिंग टायर्ड. सो या लेट्स चेंज इट एंड लेट्स हैव आवर लंच. सो आज दिया के फ्रेंड का बर्थडे था, तो फिर आज हमारे घर पे केक कटिंग हुई थी. तो वही पीयू स्कूल से आके, जैसे कि आप देख सकते हो, पीयू केक कटिंग कर रही है, क्योंकि पता है ना स्कूल से आने के बाद अच्छे भूखे होते हैं. फिर मैंने बोला लाओ मुझे भी टेस्ट करा दो. सो हियर आई एम एंजॉइंग माई केक, बट गाइज डोंट जज, लाइक बहुत टाइम बाद खाया, काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम भी नहीं, काफ़ी टाइम बाद. लास्ट कब खाया था ये, क्या अक्टूबर है राइट, क्या पता किसी के बर्थडे पर खाया होगा लास्ट, उसके बाद से केक ही नहीं खाया था हमने. यहाँ मैं अपने वो आइस जो उसको कुछ तो बोलते हैं ना, उसका वो ढक्कन ओपन नहीं कर पा रही थी. इतना कोशिश करूँ, इतना कोशिश करूँ, लेजिट 5 मिनट्स तक मैंने कोशिश किया, बर्फ तो मेल्ट हुआ नहीं. मतलब 5 मिनट्स, 3-4 मिनट्स बोल सकते करने के बद, जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ किया ना, आई स्वेयर 1 सेकेंड में खुल गया. मतलब लिटरली मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी ना वो ओपन करने के लिए, आई वॉज लाइक भाई क्या हो रहा है क्या, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. किधर बर्थडे कब है? 13 अक्टूबर सलोजा पे रहती है. कौन है वो दोस्त? युक्ति को भी आजा. युक्ति को भी नहीं, नहीं युक्ति कहाँ आई थी आज? क्यों नहीं आई थी? बोल दी तो सैटरडे को नहीं आई थी, आज मैं नहीं आऊँगी. देख वाओ कहाँ से आते हैं ऐसे दोस्त तुम्हारे. हाँ बोलो. नहीं हाँ अरे यार क्यों, अच्छा नहीं करूँगा बस. नहीं उसको चाहिए था ना. हाँ ठीक है चले, आई विल नॉट म्यूट इट. से तो उसका बर्थडे आ रहा है, उसने बोला तुझे को भी आना ही पड़ेगा. किसका बर्थडे आ रहा है? युक्ति का. युक्ति का बर्थडे कब है? 20 अक्टूबर. ओ तो उसके घर पे भी ट्रीट. बोली तो आना पड़ेगा सर. काफी ट्रीट चल रहे भी हो के. मैं बेसिकली उसके बर्थडे के लिए नहीं जा रहा, उसकी बिल्ली से मिलने जा रहा. वाओ कुछ बच्चे ऐसे. किधर चल रहे तुम? पता नहीं बस. फेस पे आइस लगाने के बाद ना कपड़े ऐसे गीले हो जाते हैं. ये नहीं कि आइस लगाने से पहले थोड़ा नॉर्मल चेंज कर ले, ब्रालेट पहन ले या कुछ कुछ, बट नो हमें तो यही में करना, इसी अवतार में करना. और फिर कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर लगता है वो शर्ट वापस चेंज करना पड़ेगा. तो पहले ही चेंज कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता, बट नो डम आलसी. And after that, while editing, I was having some Horlicks, and this Horlicks is my favorite, guys. Hello, mummy. अच्छा रहने दो, मम्मी तो कुछ बोल नहीं पाएगी. चालू नहीं हो रहा. Thank you so much. सो गाइज हियर आई एम अपलोडिंग द न्यू व्लॉग ऑफ टुडे. सो यस, जो थोड़ा एडिटिंग का काम है वही मैं देख रही थी. एंड हियर आई एम एंडिंग द वीडियो प्लीज़. और स्पेशली आज के वीडियो में सिर्फ भागम दौड़ी हुई है और कुछ नहीं, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई. आई होप यू गाइज विल मैनेज इट. एंड या सो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और यहाँ मुझे 5K चाहिए गाइज, 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, नो मैटर वॉट.
हेल्प मी आउट गाइज, हेल्प मी आउट, यस एंड या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी दिस मच लव, थैंक यू लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज।